सो वेलकम बैक टू माई चैनल गाइज। तो ये है सुपर सिरेमिक कोटिंग का बॉक्स एंड इसके अंदर हम लोग को दो ग्लव्स मिल जाते हैं जो मैंने अभी पहने एज यू कैन सी एंड एक माइक्रोफाइबर टॉवल। ये दूसरा वाला है, दो एक और रहता है वो मैंने रख दिया कहीं पे। एंड इसमें हम लोग को ये कार्ड मिल जाता है एंड ये दो क्लॉथ्स, ये एक्चुअली दो टू हैं एंड इन्हीं को हम लोग को इस ब्रिक से रैप करना है एंड इस पर अपनी ये जो सुपर सिरेमिक कोटिंग की बॉटल है ये इस पर डालनी है। इसकी MRP आप देख सकते हैं 1800 है, 30 ml है। इस पर इससे आप 3 लेयर की कोटिंग कर सकते हैं अपनी बाइक पे, तो वही हम करने वाले हैं। सो अपनी बाइक एकदम रेडी है, मैंने इसे एकदम वॉश करा लिया था एंड पोंछ के एकदम रखा है। एज यू ऑल कैन सी पीछे वाले क्लिप में या नेक्स्ट क्लिप में देखेंगे। सो एकदम चमक गई बाइक, देख सकते हैं। सो बस अब इसको हम लोग इस पर कोटिंग करते हैं एंड फिर उसके बाद आपको मैं दिखाता हूँ कैसे कोटिंग होती है। एंड फिलहाल तो कोटिंग करने के बाद इसे 48 आवर्स तक छोड़ना होता है। 48 आवर्स तक छोड़ने के बाद ही आप इसे यूज़ कर सकते हैं एंड मतलब बाइक को। इंस्ट्रक्शन मैनुअल है, आप लोग स्टॉप करके पढ़ सकते हैं, मैंने ऑलरेडी पढ़ लिया है। पीछे भी लिखा है आफ्टर अप्लाइंग कैसे मेंटेन करना है, सो इसे ज़रूर पढ़िएगा। ये रहा हम लोग का सुपर सिरेमिक कोटिंग एंड इस पर हम लोग को ड्रॉप्स गिराने हैं 10 से 12, देख सकते हैं। सो जैसे कि आप सब देख सकते हैं ये डैम्प है, अभी इस पर मैंने सिरेमिक डाल दिया है एंड अब अपने इस पर धीरे धीरे डाल लगाएंगे। सो देखिए, यस जस्ट लाइक दिस एंड आपको ऐसे ही पूरी बाइक की बॉडी पे धीरे धीरे लगाना है इसको। यस यस जस्ट लाइक दिस, अब इसे बस 1 मिनट बाद बफ करना है। अब हम इसे बफ करेंगे, मैंने कुछ जगह पे अप्लाई कर दिया कोटिंग लाइक यहाँ पे। सो इसको हम बफ करेंगे हल्के हल्के हाथों से जितना हो सके एंड फिर उसके बाद 1 घंटे बाद एक और लेयर की कोटिंग हम लोग किया जाएगा इस पर। आप देख सकते हैं शाइन बहुत अच्छा आ रहा है। सो यहाँ पे भी मैंने किया था, तो इसको बस ऐसे ही कपड़े से धीरे धीरे करके बफ करना है। इससे आप रेसिड्यू बचा रहेगा वो हट जाएगा, जिससे स्टेन या मार्क्स कुछ नहीं आएंगे। सो ऐसे यही प्रोसेस है इसका। मैं आपको प्रॉपर दूसरी लेयर करने के बाद मिलता हूँ, जो 1 घंटे बाद मैं करूँगा। फर्स्ट लेयर कंप्लीट हो गई है, आप लोग देख सकते हैं कैसा लग रहा है। शाइन तो बहुत अच्छा आया, काफ़ी अच्छा आया एक्चुअली। अभी सेकंड लेयर की बारी आएगी, करेंगे हम उसे अभी बाद में 1 घंटे बाद ऑलमोस्ट। तो फाइनली गाइस सिरेमिक कोटिंग की सेकंड लेयर डन हो चुकी है एंड अपनी 20 सेकंड रेडी है। सो बस अब 48 आवर्स तक छोड़ना होगा इसे एंड देन वी आर गुड टू गो। तो इसको इस वक्त कंटिन्यू करते हैं एंड 48 आवर्स बाद आपको दिखेगा रिजल्ट इसका। पीस। हेलो एवरीवन, सो इट्स बीन 48 आवर्स सिंस द लास्ट क्लिप एंड 48 आवर्स के बाद क्योरिंग प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। बट कंपनी रिकमेंड करती है कि पानी नहीं डालना है, पानी यूज़ नहीं करना है हाइड्रोफोबिक इफेक्ट टेस्ट करने के लिए। फिलहाल 48 आवर्स बाद ये रिजल्ट है, आप लोग अपने आँखों से देख सकते हैं। एकदम शाइन कर रही है बाइक, एज यू ऑल कैन सी पूरा मिरर फिनिश आ गया। देखिए मेरा रिफ्लेक्शन आ रहा है एकदम खतरनाक वाला एंड काफ़ी अच्छा हुआ है। एंड ऑलमोस्ट मैं बता दे रहा हूँ, मैंने आज तक अपनी बाइक पे सिरेमिक कोटिंग नहीं की थी 6 साल में,
एंड जो पेंट था इसका बहुत स्क्रैचेस वाला था, मतलब जो पेंट सरफेस था बहुत स्क्रैच्ड अप हो गया था। तो मेरा ऑलमोस्ट ये था कि अगर सेरामिक अच्छे से नहीं होता है तो मैं पूरी बॉडी किट बदलवा दूंगा इसकी, बट टू माय एक्सपेक्टेशंस उससे भी अच्छा ही हुआ है एंड शाइन काफ़ी अच्छा आया एक्चुअली, सो नॉट बैड एट ऑल। मतलब अगर न्यू आपकी बाइक होगी तो बहुत तगड़ा शाइन आएगा, देख रहे हैं, जस्ट सी द रिफ्लेक्शन, यू कैन सी द रिफ्लेक्शन ऑफ द बिल्डिंग अराउंड हियर। मैंने पूरी बाइक पर कोटिंग की है, इवन द डैशबोर्ड, सो एक नंबर मतलब शाइन आ गया है बाइक पे, एज यू ऑल कैन सी। हाइड्रोफोबिक इफेक्ट मुझे टेस्ट करना है, आई एम थिंकिंग ऑफ टेस्टिंग इट ऑन द मडगार्ड, बिकॉज मडगार्ड तो ऐसे भी गंदा होता रहता है, तो मैं अभी पानी ला के इस पर टेस्ट करूँगा, बट काफ़ी अच्छा शाइन आया, मतलब यू कैन सी इट, एकदम बढ़िया वाला आया है, काफ़ी अच्छा। यस, देख सकते हैं आप, एकदम खतरनाक वाला मिरर फिनिश एकदम आया है। मैं ये नहीं कहूँगा कि ये एकदम डिटेलर्स एडिशन टाइप है, एकदम मतलब डिटेलर जैसा कर देते वैसा नहीं है, मतलब क्योंकि वो लोग भाई पूरा प्रेपरेशन करते हैं उसकी वजह से, बट रिजल्ट काफ़ी अच्छा आया इसका। सो दिस इज़ द रिजल्ट, यू कैन सी, एंड आई थिंक दिस इज़ गुड, दिस इज़ गुड। सो थोड़ा मैंने सिनेमैटिक्स लिए, आप देख सकते हैं उसे, इन 3, 2, 1। Turn a 10 piece to a 20 quick. I got money bustin' out the money clip. Make a call and hit another lick. Someone get the money counter, I can keep on thumbing it. Turn a 10 piece to a 20 quick. I got money bustin' out the money clip. Make a call and hit another lick. Someone get the money counter, I can keep on thumbing it. Okay, so as promised, अब हम लोग इस पे हाइड्रोफोबिक इफेक्ट देखेंगे, मडगार्ड पे पानी डालने वाला हूँ। So let's see. Okay, so as you all can see, the water is not sticking at all. Yep. Wow, just look at this. This is the benefit of ceramic coating. Yes. As you all can see, एकदम stick नहीं कर रहा है पानी से. Thank you guys for watching this video. I hope you enjoyed it. Hope you like it and do comment. And if you love the modification, drop a heart. So stay tuned, and I'll see you in the next vlog. Thank you. Bye.